हमारा दोस्त शिबा काफी बड़ा हो गया रिसेंटली, इसकी हाईवे पे आ गई है तो उसे मुआवजा मिला काफी बड़ा, और मुझसे पूछ रहा था भाई मैं कौन सी गाड़ी लूँ, बढ़िया स्पोर्ट्स का लेनी है या फिर सुपर का लेनी है। मैंने इसे रिकमेंड करी फरारी SM90 स्टोटॉल है जिसमें 1000 हॉर्स पर आती है, बहुत ही बड़े लुक्स आती है। ये गया फरारी के शोरूम में, उन्होंने बोला सर क्या आप फरारी क्लब में हो, इसने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट आपको पहले 5 गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी हमारी अगर आपको फरारी क्लब में आना है और इस गाड़ी की एलोकेशन लेनी है। ये गुस्सा हो गया, फिर पोर्शा के डीलरशिप में चला गया। मैंने रिकमेंड करी भाई तू GT3 RS ले ले, बहुत ही बढ़िया उसके अंदर ट्रैक परफॉर्मेंस है। पोर्शा वालों ने बोला क्या आप पोर्शा क्लब में हो, अगर आप नहीं हो तो आपको 10 गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी पोर्शा क्लब में आने के लिए और इस गाड़ी की एलोकेशन लेने के लिए। ये दोस्तों और गुस्सा हो गया। मैंने बोला भाई तू लैंड रोवर की रेंज रोवर स्पोर्ट SUV ले ले, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है। ये गया तो उन्होंने बोला ये गाड़ी सिर्फ इनवाइट ओनली है, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को हम देंगे जो कि हमारे लॉयल कस्टमर्स है। तो दोस्तों सुपर कार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कि आपको पहले ऑलरेडी इनकी बहुत ही सारी गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी, इनकी क्लब्स में आना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छी गाड़ी आपको एलोकेट करेंगे जिसके लिए आपको 20-20 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। जिसकी शुरुआत फरारी ने करी थी, जिसमें एंजो फरारी अपनी कार्स को लेकर बहुत ही पैशनेट थे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था अगर पैशनेट लोग इनकी गाड़ियां चला रहे हैं और इनकी गाड़ियों की इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड कर रही है, और ऐसे लोग जो कि थोड़े बहुत माइनर डिफेक्ट्स को या फिर माइनर दिक्कतों से कंप्लेंट नहीं करते और चुपचाप अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं, ऐसे लोग नहीं जो ट्रैक्टर की कंपनी चला रहे और बाद में कंप्लेंट करते हैं कि फरारी को सुपर कार बनानी आती नहीं। फरारी ने इस वाली आइडियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करा और अपने कस्टमर्स की अप्रोच को काफी नैरो डाउन कर दिया, मतलब काफी सिलेक्टिव लोग इनके कस्टमर्स बन सकते हैं इनकी हाई एंड कार्स के। और अब दोस्तों फरारी का ये हाल हो गया कि फरारी की फिलहाल 5 डिफरेंट कार्स आती है, जिसमें सबसे बेकार वाली इनकी फरारी रोम है जो कि 2-डॉट स्पोर्ट्स कार है बेसिकली, और सबसे टॉप एंड इनकी फरारी SM90 स्टोटॉल है जो कि 10 करोड़ की आती है और उसमें आपको 1000 हॉर्स पर मिलती है। तो जनरली अगर आप देखें आपको लगता होगा कि कोई भी कार मेकर की सस्ती गाड़ी की ज्यादा डिमांड होगी और महंगी गाड़ी की कम डिमांड होगी, इनकी महंगी गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और सस्ती कार की सबसे कम डिमांड होती है। तो इसलिए क्या करते हैं जो भी कस्टमर्स को इनकी महंगी वाली गाड़ी खरीदनी है, पहले उन्हें बोलते हैं कि आपको फरारी क्लब में आना पड़ेगा, फरारी क्लब में आने के लिए आपको हमारी बेसिक वाली कार्स खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपका पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे, फिर आपको हमारी ड्राइव्स पे और हमारे सर्किट डेज में आना पड़ेगा जिसमें मुझे खुद टिकट खर्च के इटली जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे होटल वोटल बुक कराऊंगा, थोड़ी बहुत फरारी वापस लाऊंगा, फिर इन्हें लगेगा भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बंदा है, ये तो हमारी फरारी क्लब में इंटरेक्ट कर रहा है बाकी सारे मेंबर्स के साथ, इसे हम बढ़िया अपनी SM90 स्टोटॉल देते हैं और बढ़िया इसके मजे कराते हैं। और पता नहीं लैंड रोवर के दिमाग में क्या आया, लैंड रोवर ने फरारी को देख देख के अपनी कार्स पे ये करना शुरू कर दिया, जिसमें लैंड रोवर ने रिसेंटली अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट SUV को लॉन्च करा जिसमें आपको बहुत ही तगड़ी पावर मिलती है, पूरे कार्बन फाइबर इंसर्ट्स मिलते हैं, एक SUV के फॉर्म फैक्टर में आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस कार की परफॉर्मेंस मिलती है। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इस गाड़ी के लॉन्च पे, पर लैंड रोवर ने कहा कि इस गाड़ी का एक एडिशन वन आने वाला है इनिशियली पहले के एक साल में, जो कि सिर्फ इनवाइट ओनली कस्टमर्स को मिलने वाला है। मतलब अगर आप लैंड रोवर के रेडार में हो, आपने बहुत ही सारी लैंड रोवर की कार्स ले रखी है, तभी आपको इस गाड़ी का इन्विटेशन मिलेगा। और क्योंकि इसके एडिशन वन इतने कम नंबर पे है तो UK के लोग ऑलमोस्ट 20-30 लाख रुपए ओवर प्रीमियम दे रहे इस गाड़ी को लेने के लिए। जो भाई टाटा की नई वाली हैरियर आई है या फिर डार्क एडिशन आया, उसके लिए आपको लेने के लिए 50,000 रुपए 1 लाख रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, और टाटा मोटर सिर्फ अपने सिलेक्टिव कस्टमर को बेच रहे गाड़ी जो कि उनकी कंप्लेंट नहीं करते। और ऐसा अगर आप देखें इंडिया में ऑब्वियसली काफी कमी है, इंडिया में ना तो कार क्लब्स है बहुत सारे, या तो बहुत ही नीच कार क्लब्स है जिसमें सिर्फ जो सिलेक्टिव अमीर अमीर लोग है वही आ पाते हैं, और इनमें घुसना काफी मुश्किल है क्योंकि हर बंदा भाई ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी खरीद नहीं सकता। और अगर कार क्लब्स है भी इंडिया में तो काफी ब्रांड ओरिएंटेड है, फॉर एग्जांपल मान लो फरारी की सारी कार्स है उनके लिए क्लब बना दिया, लैंड रोवर का क्लब बना दिया, ऐसे भाई सारे कार एंथुसियास्ट का कोई क्लब नहीं है अभी तक इंडिया में। और आउट ऑफ नो वे स्कोडा ने ही ये वाला इनिशिएटिव ले लिया और स्कोडा गियरहेड्स मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया इंडिया में, जिसमें फर्क नहीं पड़ता स्कोडा को आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपको कौन से इंटरेस्ट है कार्स में, बस अगर आप एक रियल कार लवर हो, एक रियल कार एंथुसियास्ट हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस मेंबरशिप कम्युनिटी, जहां पे इंडिया के सारे कार एंथुसियास्ट नेटवर्क कर सकते हैं, बढ़िया अपने थॉट शेयर कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, जिसमें स्कोडा सारे मेंबरशिप होल्डर को अपना फैक्ट्री टूर करवाएंगे, तो आप जीरो से लेकर टॉप तक देख सकते हैं कि एक स्कोडा की गाड़ी कैसे इंडिया में बनती है। साथ ही में सारे मेंबर्स को स्कोडा की एडवेंचर रैलीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जीप की रैलीज होती है जिसमें बहुत ही सारी जीप निकलती है एक साथ, और ऐसे एक डेस्टिनेशन सेट करके वहां पे सारे ओनर स्टे करते हैं और नेटवर्क वगैरह करते हैं, वैसे आप स्कोडा के साथ कर सकते हो। पर इसमें अलग क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि स्कोडा की गाड़ी होना आपके पास जरूरी है, आपके पास कोई भी गाड़ी हो सकती है, बस अगर आप एक मेंबरशिप होल्डर हो तो आप इन सारे पर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इंडिया में कोई भी मान लो ऑटो शो वगैरह होता है, ऑटो एक्सपो वगैरह, इसमें आपको VIP एक्सेस मिल सकता है इस वाली मेंबरशिप के साथ, और साथ ही में जो भी बंदा इस वाली मेंबरशिप को लेता है उसे किट मिलने वाली है स्कोडा की तरफ से, जिसमें सबसे पहले तो एक ब्लैक कलर की स्कोडा की टी शर्ट आएगी जिसमें स्कोडा
ऐसे लिखा हुआ है, काफी कूल लगता है। साथ ही में गेनॉम हुडी आती है जिसमें दोबारा स्कोडा लिखा हुआ है और काफी ऐसे आपका फील बढ़िया कर देगी गियर चेंज करने की, काफी ऐसे सॉफ्ट सी होती है। साथ ही में आपको एक ब्लैक कलर का एक मेटालिक मेंबरशिप कार्ड मिलने वाला है जो कि काफी हाई क्वालिटी वाला है। ये देखो गिरा के काफी बढ़िया साउंड आ रही है। और साथ ही में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर एक बंदा जो भी इस वाली मेंबरशिप को लेता है उसे 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है कोई भी अगर वो इन फ्यूचर स्कोडा की गाड़ी खरीदता है। 2,500 रुपए का कोई भी सर्विस पर डिस्काउंट मिलने वाला है। और लिटरली दोस्तों अगर यही कम है तो सारी मेंबरशिप प्रोग्राम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इन फ्यूचर अगर आपको ये वाली मेंबरशिप बेचनी है या फिर ट्रांसफर करनी है आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं और काफी डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर दोस्तों दिक्कत क्या है, स्कोडा ने अभी अपना अर्ली बर्ड प्रोग्राम में इसे लॉन्च करा है जिसमें सिर्फ 4,000 लोगों को ये वाली मेंबरशिप 5,000 रुपए के प्राइस में मिलने वाली है। इसके आगे इसका प्राइस काफी बढ़ सकता है, ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। और 4,000 में से भी ऑलमोस्ट 75% प्री बुक हो गई है। और दोस्तों एक कूल चीज दिखाता हूँ, मुझे अपनी मेंबरशिप मिल गई है, मेरी मेंबरशिप का नंबर है 157। भाई बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई है, 3,200 तो इसके लिए प्री ऑर्डर्स आ गए थे। आप भी जाके जल्दी से खरीद लो, आज इसकी सेल लाइव हुई है, जल्दी ये बिक सकती है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 8,500 का डायरेक्टली डिस्काउंट मिलने वाला है कोई भी स्कोडा की कार पे और सर्विस पे। आपको फैक्ट्री टूर मिल रहा है, स्कोडा की फैक्ट्री में चलेंगे, देखेंगे भाई कैसे गाड़ी वाड़ी बनती है, एक्सपेडिशन ड्राइव्स पे पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़िया सबके साथ नेटवर्क करेंगे। बुगाटी नहीं है तो क्या, बुगाटी के डिजाइनर ने तो स्कोडा की गाड़ी डिजाइन करी है ना। साथ में जो हुडी वगैरह वो तो आने वाली है मेरे पास, मैं आपको पहन के दिखाऊंगा कैसी लगती है। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत आप सब में से मिले ना, क्योंकि थोड़ी जल्दी सेल आउट हो रही है। और दोस्तों दिक्कत पता क्या है कि मैंने अभी मेंबरशिप ले ली ना, तो अगर मैं मान लू मेंबरशिप के लिए करता हूँ कि मुझे दोबारा खरीदनी है, अगर मैं जाता हूँ बाय नाउ पे तो मैं खरीद नहीं सकता बिकॉज यू हैव ऑलरेडी परचेज द स्कोडा गियरहेड्स मेंबरशिप। तो एक बंदा एक ही बारी मेंबरशिप खरीद सकता है, वरना मैं 2-3 ले लेता। तो आप सबको समझ आ ही रहा ना, जाके लो भाई अभी के अभी। और बाकी फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया और पिन कमेंट में भी लिंक है, आप सबका फायदा है, तो जाके वहां से ले लो, मेरी बात मानो, आपका फायदा हो सकता है। और स्कोडा की बहन कंपनी पोर्शा ने भी ऐसे कुछ करना शुरू कर दिया अपनी कार्स के साथ। पोर्शा ने भी कुछ ऐसे करना शुरू कर दिया है जिसमें पोर्शा की GT3 RS फिलहाल सबसे सॉट आफ्टर गाड़ी है पूरी दुनिया में। इसमें आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग मिलती है, आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मिलती है, इसलिए अमेरिका या फिर यूके में लोग इस गाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रही है जो कि पोर्शा क्लब में ऑलरेडी है। और पोर्शा क्लब में होने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री चाहिए ब्रांड के साथ, और अगर आपके पास ये वाली हिस्ट्री है नहीं तो पोर्शा आपको कहेंगे कि आप एटलीस्ट 10 गाड़ियां खरीदो हमसे जिनकी कंबाइंड वैल्यू एटलीस्ट 20 करोड़ की होगी, तभी जाके हम आपको GT3 RS एलोकेट करेंगे, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को स्पेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, वरना आफ्टर मार्केट जाके लो, हम आपको पूछने नहीं वाले। तो अब दोस्तों ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोर्शा अपने सारे कस्टमर को 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करता है। सबसे पहले कस्टमर वो होते हैं जिन्होंने आज तक एक दो पोर्शा की गाड़ी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल कायन ले ली या फिर बॉक्सर ले ली, ये सारे कस्टमर भूल जाए उन्हें GT3 RS मिल सकती है, कोई चांस नहीं है। इसके ऊपर कस्टमर आते हैं जिन्होंने 10 करोड़ के आसपास की गाड़ियां खरीदी है पोर्शा की पूरे लाइफ टाइम में, इन्हें भी कोई GT3 RS नहीं मिलने वाली। फिर कस्टमर आते जिन्होंने 20-30 करोड़ की कार्स खरीदी आज तक और उनमें से मेजॉरिटी गाड़ियां उनके पास ही अभी भी, इनके पास थोड़े बहुत चांस है पोर्शा की नई वाली GT3 RS के एलोकेशन के। और फिर आते टॉप एंड कस्टमर जिन्होंने 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदी हुई है, तो इन्हें ऑब्वियसली एलोकेट होने वाली है ये सारी गाड़ियां। और एक नया बंदा मेरी तरह अगर कोई जाता है पोर्शा की डीलरशिप में कि सर मुझे एक पोर्शा GT3 RS चाहिए, तो भाई मुश्किल है उनके लिए कोई GT3 RS की एलोकेशन। और इसमें अगर आप देखें तो ओनर्स का भी काफी ज्यादा फायदा है, सिर्फ कार मेकर का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा फरारी क्लब या फिर पोर्शा क्लब का पार्ट बनते हैं तो फरारी या फिर पोर्शा के टॉप 1% कस्टमर्स के साथ नेटवर्क कर सकती है जो कि ऑलमोस्ट बिलियनर्स होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक क्लब मिल रहा है जिसके अंदर सारे बिलियनर्स आने वाले हैं, तो उस क्लब में होने के लिए अगर आपको थोड़े पैसे देने भी पड़ रहे हैं 2-3 करोड़, तो भाई चलता है यार, उन सारे लोगों से आप इतने पैसे कमा सकते हो उनके साथ नेटवर्क करके। तभी अगर आप देखें एंड्रयू टेट ने जब अपनी बुगाटी खरीदी थी तो उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि 42 करोड़ की बुगाटी इतना कुछ वर्थ इट नहीं है, पर उस बुगाटी क्लब में होना और सारे बुगाटी ओनर्स के साथ नेटवर्क करना सबसे अलग चीज है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट बिलियनर्स होंगे और उन बिलियनर्स के पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली भाई आधे लोग तो इसलिए इन वाले क्लब्स में आते हैं और इतने पैसे देते हैं। और भाई चलो कॉल करके देखते हैं कि क्या भाई पोर्शा वाले अगर मुझे एक GT3 RS की एलोकेशन चाहिए तो इंडिया में देते या फिर नहीं। गुड इवनिंग, ओके ओके, हाय, सो आई वाज लुकिंग टू प्री बुक GT3 RS, सो आर देयर एनी एलोकेशंस अवेलेबल राइट नाउ? So I mean, so is there also threshold also to buy, like I have to buy like 10 Porsches, I mean I have to have a history with the brand in order to get the allocation? Right, so like for the GT3 RS or like for the GT4 RS or for the GT2 RS, yes, they check the history, you must have a, you know, Porsche once. I mean, yeah, I mean one Porsche I have once, but not like 5-6 Porsches. So okay, which one did you have earlier? Cayenne, Porsche Cayenne, yeah. Gold. Cayenne GTS. Gold.
चलो भाई, इंडिया में फिर भी हालात सही है, सिर्फ एक सिंगल पोर्शन के होने पे ही हमें एलोकेशन मिल सकती है, वो तो चलो बंद हो गई है तो यार डीलरशिप भी क्या ही करे। पर दोस्तों अगर आप देखिए ब्रांड चाहे तो बहुत सारी आप कहोगे बना सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, अगर इतनी डिमांड है तो सारी गाड़ियां बना दो बढ़िया बढ़िया, जितनी डिमांड आ रही है बेचो बढ़िया प्रॉफिट कमाओ। और एक अगर आप देखिए ब्रांड के प्रॉफिट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कस्टमर को अगर पता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीज ही बनने वाले हैं उस वाली चीज़ के, तो कस्टमर काफ़ी आसानी से उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं और उसके लिए एक हाइप बनी रहती है पूरी मार्केट में। और ये वाली टेक्निक रोलेक्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने वॉचेस में, लुई वुइटन वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने हैंडबैग्स वगैरह में, जिसे कम यूनिट्स बनाओ, लिमिटेड कस्टमर्स को अपनी चीज़ें दो ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहे और बढ़िया बढ़िया वो 5 गुना प्राइस में अपनी चीज़ को बेच पाए। काफ़ी बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटजी है, तो सुपर कार वर्ल्ड इज़ वेरी क्रेजी। आप बताना दोस्तों कि आपको सही लगता है या फिर नहीं, मुझे थोड़ा बहुत मॉरली सही नहीं लगता, पर क्या करें यार, ब्रांड्स कर रहे हैं। यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।